महासंयोग है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो तीन बड़े त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं और सूर्य ग्रहण की वजह से भले ही एक दिन का डिले यहाँ पे जरूर हो गया है, लेकिन आज लोगों को खुशी है कि आज वो तीन त्योहार एक साथ मना पाएंगे। आचार्य विनोद जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, भाई दूज जो कि काफी विशेष पर्व माना जाता है, आज के दिन बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगा के उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई तो संकल्प लेता है बहन की रक्षा के लिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भाई जो है वो तोहफे के तौर पर बहन को कुछ देता है, क्या कुछ भाई आज के दिन अपनी बहन को दे सकते हैं, क्या कुछ शुभ है, कौन से मंत्रों का उच्चारण करने से भाई की उम्र में वृद्धि हो सकती है, बहनें क्या कुछ कर सकती है, उसके बारे में बताएं। जी निश्चित रूप से सरगम जी, यह जो भैया दूज का त्योहार है बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति में दो त्योहार ऐसे हैं जो कि बहन भाई के प्रेम को दर्शाता है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हम भी थोड़ा सा चित्रगुप्त की पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए चित्रगुप्त यमराज के विशेष जो है सचिव हैं, कार्तिक मास प्रतिपदा के दिन इनकी नियुक्ति की गई थी, इसीलिए कार्तिक मास प्रतिपदा के दिन इनकी विशेष जो है सचिव के रूप में नियुक्ति की गई थी, इसीलिए आज के दिन इनकी पूजा का विधान रखा गया है। देखिए हमारी संस्कृति में जैसे कि नया साल चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आता है, हम नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आर्थिक नया वर्ष आज से ही प्रारंभ होता है। हम अपने लेखन का कार्य बही पुस्तिका और खाता को क्लोज करते हैं, नया खाता बनाते हैं, नई लेखनी लेते हैं, नई लेखनी लेकर के रोली का टीका और मौली बांध करके उस चमत्कारी पेन को, उस चमत्कारी जो कलम को, उस चमत्कारी दवात को विशेष लेखन के लिए प्रयोग करते हैं। यह चित्रगुप्त का एक विशेष पूजन का महत्व है। अब हम बात करते हैं भैया दूज की। देखिए रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के यहाँ जाकर के भाई को रक्षा बांधती है और निश्चित रूप से वह बहन अपनी रक्षा का महावरदान लेती है, लेकिन यहाँ पे भाई अपने बहन के यहाँ जाता है। एक पौराणिक मान्यता है सरगम जी, जो वयस्वत मनु के पुत्र सूर्य हुए और सूर्य की दो पत्नियां हुई, छाया और संज्ञा, तो छाया के दो संतान हुई, एक यमराज हुए और एक यमुना हुई। यमुना का विवाह हो गया अपने वो जो चली गई ससुराल, लेकिन बहन भाई के प्रेम के कारण बार बार मिलने आती थी और आग्रह करती थी, भैया एक दिन आप हमारे यहाँ भी आ जाओ। यमराज को संकोच होता था कि मैं तो मृत्यु का देवता हूं, मैं तो मृत्यु के समय जाता हूं, इसलिए अपने बहन के यहां कैसे जाऊं। लेकिन कुछ कालांतर बाद यमराज अपनी बहन के यहां जाते हैं और वह दिन होता है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया का। जैसे कि हमारे आचार्य संजय शर्मा जी ने मुहूर्त आपको जानकारी दी, उस मुहूर्त में पूजन करिएगा, लेकिन जब जो है अपने बहन के यहां भाई को जो देखती है यमुना, खुशी हो जाती है, क्योंकि भाई बहन का संबंध ही ऐसा है। अपने भाई को आसन देती हैं, आसन देके बैठाती हैं, उनका पूजन करती हैं। पूजन का विशेष तरीका है, हम आपको जरूर जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पे एक विशेष नियम है, भाई और बहन दोनों मिलकर के आज के दिन यमुना स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आरोग्यता प्राप्त होती है, इसीलिए आज के दिन यमुना स्नान का विशेष महात्म है। देखिए यहाँ पे थाली में क्या क्या रखेंगे ये बेहद महत्वपूर्ण है सरगम जी और रेखा जी, जो जानना। हम अपने भाई के लिए जो भी बहन है थाल सजाती हैं और भाई जब आता है तो उसको जो लकड़ी का एक पाटा आसन देते हैं, थाली में कुमकुम, चावल, रोली, हल्दी, फूल,
धूप बत्ती और एक घी का दीपक जरूर रखिए। देखिए यहाँ पे तिल के तेल के दीपक का भी महत्व है, चार मुख वाला तिल का तेल। देखिए यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूं, पूरे कार्तिक के महीने में तेल का रोक है, तेल मालिश नहीं किया जाता है, लेकिन इसी कार्तिक के महीने में दो दिन तेल में कोई दोष नहीं होता है, जैसे कि एक है नरक चतुर्दशी और दूसरा है भैया दूज। इस दिन चार मुख के का जो है तेल का दीपक, इसका भी महत्व मैं आपको आपको जो है समझाऊंगा, लेकिन जो है बहन अपने भाई के पसंद का पकवान बनाए, जो भाई को पसंद हो, क्योंकि भाई बहन है सरगम जी, तो जरूर मालूम होगा कि भाई बहन के जो है आपका भाई क्या क्या खाता है, रुचिकर है, तो उसके उसके पसंद का पकवान बनाए, आसन पे लकड़ी के पाटे पे उसे बैठाएं, कोई वस्त्र डाल दें, लाल रंग का वस्त्र डाल दें, और सबसे पहले आप भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में विघ्न विनायक भगवान गणपति की पूजा करें, सौभाग्यता दायिनी माता गौरी की पूजा करें, और जो है जीवन को देने वाले हमारे जीवन में जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने वाले कलश की पूजा करें। और आपने जो चार मुख का दीपक बना रखा है, क्योंकि दीपक ज्योतिर परब्रह्म दीपक ज्योतिर जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा ज्योतिर नमोस्तुते, बहन का जो भाव है अपने भाई के जीवन के जितने अंधकार हैं, यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं सरगम जी, क्योंकि जो अंधकार है ना वो निश्चित रूप से भय है, निश्चित रूप से रोग है, निश्चित रूप से तमाम विघ्न बाधाएं हैं, और दीपक उन्हीं अंधकारों को खत्म करता है।